न्यूज 36 के देखैया जम्मो दर्शक मन ला जय जोहार और स्वागत है आप मन के खबर छत्तीसा म। तो चला आज के खबर मन ला विस्तार ले देखथन। पौराणिक ग्रंथ मन म जैसे श्रीमद देवी भागवत पुराण और उपकालिका पुराण आदि म कुमारी शक्ति पीठ के नाम ले प्रसिद्ध शाश्वत शक्ति पुंज आदि शक्ति श्री महामाया देवी दया और करुणा के साक्षात प्रतिमूर्ति है, जिन्हा श्रद्धापूर्वक समर्पित एक पुष्प ले ही प्रसन्न हो जाए वाली ममतामयी माँ अपन भक्त मन के हर मनोकामना ल पूरा करते। तो छत्तीसगढ़ के अति प्राचीन राजधानी रतनपुर जिहा नवरात्रि महोत्सव ह अपन चरम में है। अब नवरात्रि महोत्सव के नवमी तिथि में माँ महामाया हा अपन भक्त मन ल राशि श्रृंगार ले युक्त साक्षात दर्शन दिहिस। देखो न्यूज 36 में। नवरात्रि के नवमी तिथि में रतनपुर के माँ महामाया देवी अपन भक्त मन ला विभिन्न स्वर्ण आभूषण ले युक्त साक्षात दिव्य स्वरूप माँ दर्शन दिहिस। माता रानी के ये अद्भुत स्वरूप निहारे बर बिहनिया ले श्रद्धालु मन के जन सैलाब उमड़ पड़े रही से। माँ जगदम्बा के ये मनोहारी नयनाभिराम स्वरूप ले जम्मो वातावरण ह स्वर्गी खो उठे रहीस और पूरा क्षेत्र ह एक अदृश्य शक्ति ले व्याप्त रहीस, जेकर ले विलक्षण अनुभूति माँ महामाया के प्रति श्रद्धा ले भरे भक्त मन सहजता ले कर सकते। माता रानी के ये अलौकिक रूप के दर्शन मात्र ले ही भक्त मन के शरीर माँ एक दिव्य प्रकाश युक्त परमाणु के अदृश्य विकिरण होए लगते और ये दिव्य क्रिया ह साधारण आँखी ले दिखाई नहीं पड़े, किंतु माता रानी के समक्ष अवैया प्रत्येक साधक और उपासक मन ये शक्ति के अनुभव अवश्य करते। सिद्धिदात्री स्वरूप माँ महामाया के ये दिव्य स्वरूप माँ राजसी श्रृंगार के बखान शब्द माँ नहीं करे जा सके। भक्त मन माँ जगदम्बा के ये अद्भुत स्वरूप ला अपलक निहारत मंत्रमुग्ध हो गए रहिन। लग रहा है पूरे 9 दिन दर्शन करने आते हैं, पर आज उनकी जो छवि है वो इतनी अलौकिक है कि मतलब मन तृप्त हो जाता है देखने से। और माता रानी से कृपा है पूरे संसार में अपना कृपा बनाए रखें, हमारे परिवार ऊपर अपना कृपा बनाए रखें, यही माता रानी से प्रार्थना है। आज उनकी छवि देखते नहीं बन रही है, इतनी सुंदर दिख रही है ना पूरे संसार। मैं जब से मतलब जानने लगी हूँ, माता रानी को मानने लगी हूँ, तब से मेरी आस्था है, तब से आ रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ, हर नवरात्र में आती हूँ, दर्शन करके जाती हूँ, आते जाते दर्शन करती हूँ, परिवार वालों के साथ भी आती हूँ, अकेले भी आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, हर मन्नत पूरा होता है यहाँ आने से। नवमी तिथि माँ देवी के 3.5 किलो स्वर्ण आभूषण ले राजसी श्रृंगार करे गए रहीस। ये राजसी श्रृंगार माँ सोन के मुकुट कुंडल नथ बिंदिया रानीहार कंठहार मोहरहार करधन साटी बिछिया आदि स्वर्ण आभूषण ले युक्त रहीस। माँ भगवती के राजसी श्रृंगार के बाद 56 भोग अर्पित करके महाआरती करे गईस। ओकर बाद ब्राह्मण भोग और देवी स्वरूपणी कुंवारी कन्या मल्ला मंदिर अध्यक्ष आशीष सिंह के द्वारा विधिवत आरती करके भोजन कराई गई, तहां जम्मो कन्या मल्ला उपहार और दक्षिणा देके विदा करी गई थी। आज 9वां दिन महामाया देवी देखते बनती हैं। लगभग 3.5 किलो का सोने का श्रृंगार है, जिसमें छत्तीसगढ़ कि परंपरा के हिसाब से पुत्री है, करधन है, मोरी है, मुकुट है, बिछिया है, पायल है, बहुत ही शानदार आज माँ महामाया के राजसी श्रृंगार कहते हैं आज के दिन को। और पूरे 9 दिन लोगों ने बहुत सेवा की, ट्रस्ट के लोगों ने बहुत, और ट्रस्ट को जो लोग मदद करते हैं वो लोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से कोविड के बाद सबसे बेहतरीन दर्शन, इतना भीड़ कभी नहीं रहा, लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया, श्रद्धालुओं की बहुत पूरे समय तांता लगा रहा, सवेरे 5 बजे से लेके दूसरे दिन 5 बजे तक सप्तमी और अष्टमी को भीड़ रहा। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ
और माँ महामाया से अनुरोध करता हूँ कि उनकी जो भी मनोकामना है उसको जरूर पूर्ण करें। दिन रात्रि का नवमी तिथि है, नवमी तिथि में सुबह नया श्रृंगार किया गया, श्रृंगार के साथ पूरे सोने का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार किया गया है, जिसमें मुकुट है, कुंडल है, कंठ है, रानी हार है, तीन छोटा और हार है, गर्दन है, कुनी है, इस प्रकार से लगभग देवी के आभूषण सोने, 4.5 किलो सोने का आभूषण हुआ है। और उस आभूषण को देखने में ही ऐसा लगता है, बहुत ही दिव्य महसूस होता है। और आज भी लोगों का जो भीड़ है लगा हुआ है, नवमी का जो दर्शन का लाभ जो ले रहे हैं, अभी तो मैं मंदिर परिसर में था ही, इतने लोगों का भीड़ है और सोने का श्रृंगार को देख के सभी ने आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इतना दिव्य स्वरूप हमने कहीं